बात करते हैं एक ही स्पेशल मेहमान से जो हमारे साथ जुड़ रही हैं अर्निंग्स पे, बाजार की कमेंट्री और बहुत सारी रोचक सब्जेक्ट्स पे बात करेंगी। और वो हैं राधिका गुप्ता, एडलवाइज म्यूचुअल फंड की MD एंड CEO, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। राधिका, बहुत बढ़िया आपको जब जब शो पे आती हैं, तो क्योंकि आपकी आपकी पर्सनैलिटी और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इतना वाइड है कि हम सिर्फ बाजार की बात नहीं, बाहर की बातें भी कर सकते हैं। देखिए, आज हमसे आप तब ज्वाइन कर रही हैं जब कल या इस वीकेंड पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में जो वैल्यू इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो जिनको ग्रैंडफादर ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ के राह पे चल पड़ते हैं, वो हैं बफेट साहब। उनकी AGM थी 2 साल के बाद, चार्ली मंगर और बफेट। तो उनकी एक बात से मैं अपनी चर्चा स्टार्ट करूंगा। उन्होंने क्वालिटी ऑफ राइटिंग अ जर्नल या अपनी थॉट्स को, भले ही वो इन्वेस्टिंग की हो, लाइफ थॉट्स हो, उनको पेन एंड पेपर पर डालने का बहुत महत्व बताया है। और वो इनकरेज करते हैं यंग एंड ओल्ड इन्वेस्टर्स को कि अपने इन्वेस्टमेंट आर्ग्यूमेंट लिखा करिए और कुछ समय बाद उसे रिविजिट करिए। आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी पहले ट्विटर पर आप फेमस हुई, शॉर्ट वर्ड्स में लिखती थी, और अब आपने अपनी किताब लिखी है लिमिटलेस। तो ये, और आप खुद भी एक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, इन्वेस्टमेंट कंपनी की को चला रही हैं, तो आपको कितना फायदा हुआ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में इस किताब की वजह से, और या जनरली अपनी राइटिंग कैपेबिलिटी को डेवलप करने की वजह से? इज अ ग्रेट क्वेश्चन अजय। मुझे लगता है आई थिंक लिखने से इंसान को, चाहे वो जिंदगी में हो और निवेश में हो, और मैं आपको निवेश का भी बाद में एग्जाम्पल दूंगी, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलती है, क्योंकि हमारे दिमाग में इतने ख्याल होते हैं, जब हम उन्हें लिखते हैं तो वी आर फोर्स टू आस्क आवरसेल्फ्स क्वेश्चंस, खुद से सवाल करते हैं। दूसरी बात ये होती है, जब आप लिखते हैं ना, तो आप वो बार बार रिविजिट नहीं कर सकते, खासकर बाजार की दुनिया में जहां बाजार इतनी जल्दी बदलता है। मुझे लगता है लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दो बातें लोगों से कहती हूँ जहां तक निवेश की बात है और लिखने की बात है, कि एक तो अपना जो फाइनेंशियल प्लान है, फाइनेंशियल गोल्स है, वो जरूर लिखा करिए। आप क्या चाहते हैं पैसे से, क्या नहीं चाहते, आप कैसे फंड में निवेश करना चाहते हैं, आप कितनी रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो ना बार बार आप उसी बात को रिविजिट करते हैं। तो आई थिंक वन ग्रेट लर्निंग फ्रॉम बफेट इज ऑल्सो दैट राइटिंग गिव्स यू क्लैरिटी। तो जरूर अपने गोल्स का निवेश करिए, बल्कि हम तो अपने फंड्स में भी, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस जो होते हैं, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कब अच्छा करेंगे, कब बुरा करेंगे, ये हम लिखते हैं एक्चुअली हर फंड के लिए, और फिर शेयर भी करते हैं दुनिया के साथ। तो मुझे लगता है ये असल जिंदगी में भी और निवेश की जिंदगी में बहुत क्लैरिफाई। बिल्कुल राधिका, दूसरा मैं सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि आपकी आपकी AMC काफी इंटरेस्टिंग यूनिक फंड भी चलाते हैं, भले ही उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट छोटे हों, लेकिन उनकी अपील काफ़ी बड़ी है। जैसे कि ओवरसीज फंड्स हैं कुछ आपके, चाइना स्पेसिफिक फंड हैं। चाइना में दो तरह की चीज़ें हो रही हैं, एक तो उनकी इकॉनमी थोड़ी स्लो हो रही है, और दूसरा कैपिटल मार्केट में भी एक अच्छा खासा करेक्शन हो के जा रहा है। वही चीज़ हम अब नैसडैक में भी देख रहे हैं, ग्रोथ का इशू आ गया US में, इन्फ्लेशन हाई और नैसडैक काफ़ी करेक्ट हो रहा है। ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि लास्ट 2 साल में नंबर ऑफ ओवरसीज ऑफरिंग्स फंड्स इंडस्ट्री में इंक्रीज ही हुए हैं, और बिग HNI और इवन एफ्लुएंट इन्वेस्टर की रुचि अपने पोर्टफोलियो को, इक्विटी पोर्टफोलियो एक स्लाइस ओवरसीज मार्केट में रखने की बहुत रुचि बढ़ी है। तो ऐसे समय में शायद यही सही समय है जब करेक्टिव फेज चल रहा है कि उन्हें उस तरफ देखना चाहिए। तो आपकी रिसर्च क्या बताती है इन दोनों रीजन में जो करेक्टिव फेज हो रहा है, क्या उसमें एलोकेशन बढ़ाना चाहिए ऐसे टाइम में इंडियन इन्वेस्टर्स को? तो मैं आपको दो बातें कहूंगी। एक तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इन फंड्स में रुचि बढ़ रही है, लेकिन एंड हम एक्चुअली चाइना और US टेक जो कि हमारे फंड्स हैं, दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल फंड्स मार्केट में, क्योंकि ये पहले आए थे। लेकिन मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगी जो मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ, कि निवेशकों को इनमें निवेश करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग ना एक एसेट एलोकेशन जिसे हम कहते हैं, उसका एक हिस्सा है। अब इसका ये मतलब है कि कुछ साल ऐसे होंगे जब चाइना फंड आपका बहुत अच्छा करेगा, चाहे इंडियन मार्केट अच्छा नहीं कर रहा, हमने शायद ये 2018 में देखा था, और कुछ साल ऐसे होंगे जैसा पिछला एक साल
जहां चाइना में आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलेंगे और इंडिया में बहुत रिटर्न मिलेंगे, उस टाइम पे आपको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि अच्छा मेरा चाइना फंड मेरा इंडिया फंड से पूरा करता है। डाइवर्सिफिकेशन का यही नाम है और यही मैं टेक के बारे में भी कहूंगी, तो इसे एक एसेट एलोकेशन के जरिए से सोचिएगा। दूसरा आई थिंक जहां तक ये जो दो एरियाज हैं, मुझे लगता है जब हम बाहर निवेश की बात करें तो दो एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका कुछ डेवलप्ड मार्केट्स में निवेश होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज खासकर इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, वो क्षेत्र ही प्रेजेंट नहीं है हमारे बाजार में। दूसरा आपका जो इमर्जिंग मार्केट्स में एक एक्सपोजर होना चाहिए क्योंकि इंडिया इज नॉट द ओनली इमर्जिंग मार्केट और ज्यादातर चाइना है, तो ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग एरियाज हैं। एंड आई सर्टनली थिंक खासकर चाइना में वैल्यूएशंस बहुत करेक्ट हुए हैं। इनफैक्ट आप जिस इवेंट का जिक्र कर रहे हैं वहां शायद चार्ली मंगर ने भी ये जिक्र किया था कि चाइना इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बेट टू लुक एट इन द फ्यूचर। अनफॉर्चुनेटली आरबीआई और सेबी के रिस्ट्रिक्शंस के कारण, आरबीआई के लिमिट्स के कारण लोग ज्यादा इन फंड्स में पैसे नहीं डाल सकते क्योंकि वो लिमिट्स क्लोज हैं, सो मोस्ट एएमसी फंड्स आर क्लोज। लेकिन मेरी उम्मीद है कि ये जल्दी खुलेंगे और जब ये खुलेंगे तो निवेशकों को डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए और अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में तो अजय बिल्कुल बना रहना चाहिए, ये वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून राधिका, प्रियंका यर, एब्सोल्युटली जिस तरह से आपने बात रखी, चाहे वो नॉर्थ कोरिया ETF फंड्स हो, चाइना ETF फंड्स हो, वहाँ हमने देखा भी अच्छा खासा फंड फ्लो गए भी हैं और लगातार अब भी जा ही रहे हैं। ऐसे में एक और आपसे व्यू जानना चाहेंगे, अक्षय तृतीया कल है और उससे पहले कई बार अब तक ये चलन है जो फिजिकल गोल्ड खरीदने का चलन है, लेकिन बाजार में अब भी बहुत हद तक इन्वेस्टर्स हैं जो गोल्ड ETFs में निवेश करते हैं, लेकिन अगर आपको उन्हें एक विजडम वर्ड ऑफ एडवाइस देना होगा कि ETFs कैन ऑल्सो बी अ स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, तो आप क्या कहेंगे? मैं दो बातें कहूंगी गोल्ड के बारे में। एक तो गोल्ड एक एसेट एलोकेशन का जरूर हिस्सा हो सकता है, 5-10% जो भी आपकी कंफर्ट है, क्योंकि गोल्ड एक वॉलेटिलिटी एंड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट है। जो दूसरा जहां तक निवेश करने की बात है, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल गोल्ड जो कि ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए हो, वो फिजिकल गोल्ड से निवेश के तौर पर बेटर है क्योंकि फिजिकल गोल्ड में आपकी ब्रेकिंग सिक्योरिटी वो सारे स्ट्रेस हैं। गोल्ड ETF या गोल्ड इंडेक्स फंड आपको गोल्ड के प्राइसेस का उतार गेन से बेनिफिट करने का मौका देता है, लेकिन वो एक फाइनेंशियल एसेट है, उसमें कस्टडी का इशू नहीं है, सेफ्टी का इशू नहीं है। तो अगर आप निवेश के तौर पे, नॉट यूसेज के तौर पे गोल्ड देखना चाहते हैं तो जरूर फाइनेंशियल गोल्ड देखिए, या तो गोल्ड ETF या इंडेक्स फंड या सरकार का इशू हुआ हुआ सॉवरेन गोल्ड। बिल्कुल राधिका, गुड आफ्टरनून, मानसी दिस साइड। ऑफ कोर्स जहां आप बाजार की बात कर रही हैं, अब हम देख रहे हैं नतीजों का दौर भी है, Q4 FY22 के नंबर्स हैं और सरप्राइजिंग है कह सकते हैं, नंबर्स जो हैं डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स अब तक जितने आए हैं नज़र आ रहे हैं, ऑफ कोर्स बारिंग अ फ्यू। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलरली कौन से सेक्टर्स होंगे जिस पर आपकी राय है, ओवरवेट अंडरवेट क्या नज़रिया होगा होल्डिंग्स, और पर्टिकुलरली अगर आप कुछ बताना चाहें स्टॉक स्पेसिफिक? हाँ, तो मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात कर सकती हूँ। आई थिंक हमारा एक तो मानना है कि ये पहला हाफ जो साल का है वो वॉलेटाइल ही रहेगा, और इनफैक्ट वो उम्मीद से ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। अर्निंग्स एस्टिमेट्स एक्चुअली हमारे हिसाब से ठीक ठाक आए, ऑफकोर्स फ्यू प्लेसेस में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। हमारे पोर्टफोलियोज में एक तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रिक सेक्टर्स हैं वहां हम बुलिश हैं, इंडस्ट्रियल्स पे हम पोर्टफोलियोज में ओवरवेट रहे हैं फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। सेक्टर्स दैट आर बेनिफिटिंग फ्रॉम चाइना प्लस वन, PLI एटसेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ये क्षेत्र है। और दूसरा जहां हमने थोड़ा ओवरवेट का वो किया है रिलेटिव टू अदर्स, वो है फाइनेंशियल्स, खास करके लेंडर्स। और आप देख रहे हैं बाय एंड लार्ज फाइनेंशियल कंपनीज के भी रिजल्ट्स काफी स्टडी शेप में है। तो ये जो दो तीन सेक्टर्स हैं, मैं इनको ब्रॉडली कहूंगी द इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी का रिवाइवल। राइट, चलिए थोड़ा बाजार पे वापस से रुक करते हैं। राधिका, क्या आपकी टीम में क्या बातचीत हो रही है, आप किस तरह से कमेंट्री को रीड कर रहे हैं और डेटा पॉइंट्स को रीड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ये जो फेड लिक्विडिटी वाकई में ट्रिम करना शुरू करेंगे मार्केट से करीब करीब $95 बिलियन अ मंथ, बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, या आपको लगता है कि काफी हद तक ये प्राइस्ड इन है?
और इवन इन्फ्लेशन का मैटर, आपको लगता है इन्फ्लेशन पीक इन द प्राइस है? सो आई थिंक फेड लिक्विडिटी हैज बीन प्राइस्ड इन, क्योंकि इसके बारे में काफी टाइम से चर्चा चल रही है। इनफैक्ट इंडिया में भी जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो ज्यादातर अब बात चल रही है, लास्ट आरबीआई कमेंट्री में भी इसकी चर्चा हुई थी, तो हमारे हिसाब से ये प्राइस्ड इन है। ऑफ कोर्स लैक ऑफ लिक्विडिटी विल क्रिएट इट्स ओन सेट ऑफ इश्यूज, क्योंकि पिछले साल खासकर प्राइवेट मार्केट्स ने बहुत बेनिफिट किया था, आईपीओ मार्केट ने बहुत बेनिफिट किया था, तो दिस ईयर विल बी अ फार मोर सिलेक्टिव ईयर। तो ये तो जरूर है। अजय, मैंने आपका दूसरा सवाल मिस कर दिया, तो आपको रिपीट करना पड़ेगा। मैं दूसरा पूछा था कि इन्फ्लेशन पीक भी क्या आपको इन द प्राइस है? इन्फ्लेशन पीक क्या बिटवीन नाउ या नेक्स्ट क्वार्टर के बीच में बन जाएगा? आई थिंक सो अगेन यस, एंड वी ऑल्सो थिंक दैट हमारा फोकस रहेगा ऑन कंपनीज दैट कैन पास ऑन द प्राइस इंक्रीज टू कंज्यूमर्स। और ये आप कुछ अच्छी कंपनीज के रिजल्ट्स में देख रहे हैं, ऑलरेडी कॉमेंट्री शुरू हो गई है, प्राइसेज ऑफ सम गुड्स आर यू नो अप सिग्निफिकेंटली। सो जो मार्केट लीडर्स हैं दे आर एबल टू प्राइस ऑन द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स टू द कंज्यूमर्स। जो मार्केट लीडर्स नहीं है वो पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा फोकस यही रहेगा टू फोकस ऑन कंपनीज वेयर ऑल्सो द प्राइस इंक्रीज इम्पैक्ट कैन बी पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स। राइट, राधिका, आपका तो एक फंड है भी जहां आप नए आईपीओस को ट्रैक करते हैं। इस साल के लास्ट ईयर तो आईपीओ मार्केट वाज अ रियल बज एंड रियल एक्शन वी सॉ। इस साल आप कौन कौन से उस फंड के लिहाज से अगर कोई नए आईपीओस इंटरेस्टिंग थीम्स जिन्हें आप स्टडी करके हमसे शेयर करना चाहते हो? हमें लगता है कि पोस्ट एलआईसी आईपीओ मार्केट विल बी बैक। ये थोड़ा सा 3-4 महीने थम गया था, लेकिन पोस्ट एलआईसी लॉट ऑफ पीपल वर वेटिंग, अच्छी कंपनियां जो यू नो उसमें थी। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा आईपीओ मार्केट में वर्सेस लास्ट ईयर सैनिटी आ जाएगी, और ये दो कारणों की वजह से आएगी। एक तो लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बाद हम जैसे कंपनी से बात कर रहे हैं, हम जैसे प्रमोटर से बात कर रहे हैं, इशू साइजेस कम हो रहे हैं, प्राइसिंग थोड़ी सी ठीक हो रही है। तो आई थिंक लोग भी जानते हैं कि आईपीओ सिर्फ एक इवेंट है कंपनी की जिंदगी में, वो बी ऑल एंड एंड ऑल नहीं है। कोई ये नहीं चाहता कि आप एक आईपीओ ले आए और फिर कंपनी का सिग्निफिकेंट नुकसान हो, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। तो थोड़ा सा सैनिटी आएगी। दूसरा, ये जो नए फंडिंग के रूल्स हैं और फिर नए सेबी के भी रूल्स आए हैं, आई थिंक दिस विल लीड टू बेटर क्वालिटी इन द आईपीओ मार्केट। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन ज्यादा आएगा बाजार में, तो ये हमें उम्मीद है। लेकिन हमें लगता है नए नए क्षेत्र आएंगे, अगेन वी थिंक ई कॉमर्स में अच्छे आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे इश्यूज आएंगे, सर्विसेज में आएंगे, न्यू एज फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो आईपीओस तो बहुत लाइंड अप है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि निवेशकों का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। इनफैक्ट पिछले साल भी करीब कुछ 60 आईपीओ आए थे हमारे इस फंड में, जिसका आपने जिक्र किया है, हमने सिर्फ कुछ 20 में पार्टिसिपेट किया था। तो हमारा ये भी इरादा रहेगा कि हम बहुत सिलेक्टिव रहे कि किन इश्यूज में हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और किन में नहीं। राधिका, नहीं, आप ठीक भी बता रही हैं, सिलेक्टिव रहना इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, जहां पर हमने देखा फियरफुल थ्रू आउट मार्केट पिछले हफ्ते भी देखने को मिला, और ये हफ्ता जो है काफ़ी ज़्यादा इवेंट स्पेसिफिक है। फेड मीट अ क्रूशल वन, क्या लगता है उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव है, बाजार संभलना चाह रहे हैं, लेकिन इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी दिखेगा, डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी असर दिखेगा? राधिका, am I audible to you? Yes, you are. Now you are. Yeah, राधिका, मैं फेड मीट जो कि फेड की बैठक FOMC की इस हफ्ते होने जा रही है, इससे लेकर आपका आउटलुक जानना चाह रही थी, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स, डोमेस्टिक, हर तरफ इसका एक इम्पैक्ट दिख भी रहा है। See, I think आपको जो पिछले 3-4 दिनों में दिख रहा है, while Fed has given a glide path कि Fed कहाँ जाना चाहेगा, वो एक क्वार्टर प्रीपोन करेगा, एक क्वार्टर पोस्टपोन करेगा, लेकिन फेड का पाथ एक्चुअली काफी क्लियर हो गया है। आई थिंक व्हाट यू आर सीइंग इन द लास्ट फ्यू वीक्स एंड डेज इज अर्निंग्स का इम्पैक्ट इन ग्लोबल मार्केट्स। आपने जो आपकी S&P 500 है, उसका सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ कंपनीज एंड अर्निंग्स हैज बीन टेक्नोलॉजी कंपनीज, और आपने देखा है लगातार टेक्नोलॉजी एंड ये कंपनीज सस्ती भी ट्रेड नहीं करती है। हम भी एक टेक फंड चलाते हैं, हालांकि वो फैंग रिलेटेड नहीं है। व्हाट यू आर सीइंग इज अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन अर्निंग्स, व्हिच व्हेन हैपेंस हिट्स हाईली प्राइस्ड कंपनीज। तो आई थिंक इसके हिसाब से आपको थोड़ी सी वॉलिटिलिटी दिख रही है,
फेड का जो है आई थिंक ग्लाइड पाथ काफी क्लियर रहा है पिछले 3-4 महीनों से, और मार्केट्स अल्टीमेटली आपके एक्सपेक्टेशंस देख के चलते हैं। राधिका, यू जस्ट मेंशनड अबाउट दैट द फांग स्टॉक्स आर नॉट देयर, तो आपको क्या लगता है फांग स्टॉक्स में ये जो बिकवाली है, जो सेल ऑफ चल रहा है, ये कहाँ तक होगा? क्योंकि ऑफकोर्स हाई पीई हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में ग्लोबली एडजस्टमेंट चल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है, आर वी डन विद दिस एडजस्टमेंट या अभी भी जारी रहेगा? और ऐसा ही एक व्यू अगर आप हमें इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ के न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो लास्ट ईयर लिस्ट हुए थे उन पर अगर आपको अब लगता हो वैल्यू बाइंग दिखती है, व्हाट वुड बी योर व्यू? सो माय व्यू इज डिफरेंट फॉर बोथ सेट्स ऑफ कंपनीज, क्योंकि जो यूएस मार्केट की जहां हम बात कर रहे हैं, फैंग आर वेरी ओल्ड एस्टैब्लिश्ड प्रॉफिटेबल नेम्स। हाँ, दे आर हाई वैल्यूएशन नेम्स बट दे आर वेरी ओल्ड एंड एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। जहां तक की इंडियन मार्केट की हम बात कर रहे हैं, जिन कंपनियों का अगर आप आईटी बेलवेदर्स छोड़ दें, जो हमारे बड़े आईटी बेलवेदर्स हैं, जो रिसेंटली लिस्टेड नेम्स हैं, उनके सेट ऑफ दे आर वेरी न्यू टू मार्केट। तो आई थिंक इंडियन मार्केट में व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर दीज कंपनीज इज कि ये एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएं और अपने गवर्नेंस मेट्रिक्स इंटैक्ट रखें। इन कंपनीज में निवेशक इन्वेस्टर कम्युनिटी क्या देखना चाहेगी कि इनका ग्रॉस प्रॉफिट हो, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव हो और फाइनली एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी उन बिजनेस मॉडल्स में दिखे, क्योंकि ज्यादातर इन लोगों की लिस्टिंग जो हुई है वो लॉस मेकिंग आईपीओस हैं, तो इनका तो किस्सा आई थिंक वो है। एंड आई थिंक यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन विच कंपनीज यू लुक एट। आप ये नहीं कह सकते कि इस कंपनी का रिसेंटली लिस्टेड कोई इंडियन टेक आईपीओ है 50% प्राइस गिर गया है तो खरीद लो। आई वुड नॉट टेल इन्वेस्टर्स, मैं निवेशकों से ये नहीं कहूंगी आप ब्लाइंडली खरीद लो क्योंकि प्राइस गिर गया है। आप कंपनी समझो, बिजनेस मॉडल समझो और फिर उसके बाद देखो कि ये भाई प्रॉफिटेबल हो सकती है, इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, और फिर आप सोचो। हर कंपनी का आई थिंक एक अलग जजमेंट होगा। फैंग जहां तक बात है, मुझे लगता है इवेंचुअली इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, बिकॉज अल्टीमेटली ये बेलवेदर कंपनीज हैं। हाई वैल्यूएशंस पे थोड़ी सी रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट हुई है, एंड इट इज ऑल्सो ट्रू हम अपने जब पार्टनर्स जेपी मॉर्गन से बात करते हैं, ये भी नहीं है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो टेक कंपनीज हिस्टोरिकली बुरा करती हैं। एक्चुअली ये डेटा करेक्ट ही नहीं है, इट्स क्वाइट द ऑपोजिट, इट डिपेंड्स ऑन व्हाई रेट्स आर राइजिंग। सो आई थिंक यूएस कंपनीज विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, इंडियन टेक दैट लिस्टेड लास्ट ईयर स्पेशली फिनटेक, आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। राधिका जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना आउटलुक, आपके पसंदीदा सेक्टर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू, एंड ऑफ कोर्स कल बाजार बंद है तो अ गुड वीकेंड एज वेल इफ पॉसिबल फॉर यू इन योर बिजी स्केड्यूल।